पॉलिक्लिटस ऑफ सिस्लोन ग्रीस के एक बहुत बड़े मूर्तिकार हुआ करते थे। उनकी बनाई गई जो मूर्तियां थी उनके पूरे विश्व में प्रशंसा हुआ करती थी। एक बार वो दो मूर्तियों को एक साथ बना रहे थे। एक मूर्ति उन्होंने बाहर रखी थी और जो भी पब्लिक आती थी, जो भी लोग उसमें सजेशंस देते थे, जो उनके क्रिटिक्स थे, जो भी सजेस्ट करते थे, उस हिसाब से वो मूर्ति में चेंज करते चले जाते थे। और वो जो मूर्ति थी वो लोगों के ओपिनियन के हिसाब से, क्रिटिक्स के ओपिनियन के हिसाब से बनाई जा रही थी। और उसके साथ में उन्होंने अपने घर में एक और मूर्ति जो है वो बनाने का काम जारी रखा था। ये जो मूर्ति जो उनके घर में बन रही थी उसके लिए वो किसी का ओपिनियन इन्वाइट नहीं करते थे, सिर्फ अपना जो इमेजिनेशन था, अपना जो जीनियस था, उसके हिसाब से वो मूर्ति बना था। कुछ दिनों बाद में जब दोनों मूर्तियाँ तैयार हो गई तो उन दोनों मूर्तियों को उन्होंने पब्लिक में रखा। उसके बाद जब लोगों ने उन मूर्तियों को देखना शुरू किया तो एक जो मूर्ति थी उसकी बहुत तारीफ की जाती थी, जो भी आता था उसकी बड़ी तारीफ करता था, और एक जो मूर्ति थी उसको लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे। इस पर पॉलिक्लिटस ऑफ सिस्लोन ने कहा, एथेन के निवासियों, जिस मूर्ति की आप इतनी निंदा कर रहे हैं, इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो मूर्ति आपके द्वारा बनाई गई है, क्योंकि उसमें हर चीज़ जो आपने सजेस्ट की उसके हिसाब से मैंने उसको बनाया। और जो दूसरी मूर्ति जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो मूर्ति मैंने स्वयं बनाई है। दोस्तों, ये जो कहानी है इससे हमें एक बहुत बड़ी हकीकत का पता चलता है। जब हम लोगों के ओपिनियन पे, लोगों के विचारों के हिसाब से चलते हैं, अपने कार्यों को उस हिसाब से करते हैं जैसा कि लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम कभी भी जिंदगी में एक्सेलेंस या बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये जानना जरूरी है कि जो पॉपुलर ओपिनियन होती है वो जो है कभी भी आपको बहुत ऊंचाई पे नहीं ले जा सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये नहीं जानते कि क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में बहुत दुखी है क्योंकि उन्हें अच्छाई और बुराई का फ़र्क ही नहीं पता है। अगर उनको पता होता तो वो खुद जो है वो सफलता को प्राप्त कर गए होते। और इस वजह से अगर आप उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाएंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी सफलता नहीं पा पाएंगे, ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास पैदा करना होगा, अपनी क्रिएटिविटी, अपने इमेजिनेशन, अपनी इच्छा शक्ति से लोगों के विचारों के खिलाफ चलना होगा, तभी जो है आप ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, तभी जो है आप सफलता पा सकते हैं।